ब्लॉगिंग के बहुत ही दिल से सभी के नमस्कार बा। तो चलिए आज की वीडियो देखेगा। अरे चिंता मत कीजिए मोदी जी, रेवड़ी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूँ आप। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवड़ी बांटी है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके प्रफुल्ल शारदा जी ने पूछा कि भाई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है, तो भारत की सरकार ने बताया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, सात फिगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, 11,00,000 करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी। ये बैंकों में किसका पैसा जमा है? कर्मचारी का है, आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, माताओं बहनों का है, छोटे व्यापारियों का है। आपकी सरकार ने बताया, बाद में मत कहिएगा संजय सिंह ने आरोप लगाया। आरटीआई की जानकारी के जरिए बताया, बीएचएफएल ने 17 बैंकों से पैसा लिया, 34,000 करोड़ रुपए बैंक को कंगाल कर दिया डीएचएफएल ने। और बाद में जब उसकी पड़ताल की गई कि भाई ये डीएचएफएल कौन है, ईडी ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सीबीआई ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो पता चला है तो भाजपा वालों के दोस्त हैं। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो नरेंद्र मोदी जी, इसको कहते हैं रेवड़ी, इसको कहते हैं एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, हाथ से 27 करोड़ का चंदा लिया भाजपाइयों ने और दूसरे हाथ से कहा बैंकों को लूट डालो, 34,000 करोड़ रुपए लूट डाला। और रेवड़ी बता कंट्रोल बताता हूँ, किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, पहले लिखा रहता था भारत सरकार का एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी खैर। आचार्य जी ने कहा है जब किसी से मोहब्बत हो जाती है उसकी सारी खामियां और बुराइयां भी अच्छी लगती है। इसी पे तो गदगद है आप। नहीं नहीं, अरे कौन पूछ रहा है एलपीजी सिलेंडर का दाम, कौन पूछ रहा पेट्रोल डीजल का दाम, सब सब मगन है। कंप्लीट कर भक्ति, सब सब मगन है भक्ति, सब सब मगन है भक्ति। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, तब तक के लिए नमस्कार।